स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है, ऐसे में एक सच मैं अब बेनीपट्टी प्रखंड के विशनपुर पंचायत से दिखाने जा रहा हूँ। विशनपुर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार के पति हमारे साथ हैं। अब इनसे जानना ये चाहेंगे कि क्षेत्र के लिए क्या इरादा करके क्षेत्र में आए हैं फिर से चुनाव लड़ने के लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इनका परिचय जानना चाहेंगे। जी सर, मैं विशनपुर पंचायत की मुखिया पति कुमारी रीता गुप्ता का पति हूँ, अरुण कुमार शाह मेरा नाम हुआ। सर, इस बार अभी फिर आप चुनाव में आए हैं और चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है कौन सी कमी रह गई हो या फिर क्या वजह है जो फिर से आपको जनता जीता है? सर, प्रथम तो अपने पंचायत के जितने मतदाता मालिक मेरे हैं या जनता है उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैंने अपने पंचायत का जो विकास किया हूँ वो विकास है, जैसे आवास योजना प्रधानमंत्री आवास है, जो पूरे पंचायत से मैंने पिछली बार दफा अपने पंचवर्षीय में 155 परिवार को मैंने आवास दिया और 1200 परिवार का मैंने सर्वे करके दिया, 1200 का नाम मैंने जोड़ा हूँ पूरे पंचायत से। वो आवास मुझे देना मेरा प्रथम प्राथमिकता है, जो हर घर हर एक परिवार को एक छत का मकान हो। प्रधानमंत्री माननीय मेरे मोदी जी का इच्छा है जो हर एक छत के नीचे मेरा जनता रहे, तो मेरी भी यही सोच है जो मेरे पंचायत में 1200 आवास मैंने सर्वे करके पास कराए हैं वो सबको मिल जाए। इसके बाद में पूरे पंचायत में मैं 422 पेंशन पास कराया हूँ इस 5 साल के अंदर, और जो बच्चे कुछ लोग रह गए हैं मोटा मोटी लगभग 10-15 हर गांव से 2-4-5 को रह गए हैं और बाकी तो नहीं है, उन लोगों को भी ये सुविधा मिल जाए। शौचालय निर्माण जो बाकी है पंचायत के अंतर्गत वो हर घर में शौचालय उपलब्ध हो जाए, किसी को शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। सड़क की काम लगभग मेरे पंचायत में बहुत हद तक हो चुका है और जो बचा हुआ है उसको मैंने पूर्ण करने के लिए मैंने संकल्प लिया हूँ वो कर लूँ, जो मेरे पिछले पंचवर्षीय में नहीं हो सका। इसके लिए मैं जनता से क्षमा मांगता हूँ कि मुझे पुनः दोबारा मौका वो लोग देंगे और उस काम को मैं पूर्ण करूँगा। कहीं ना कहीं अधूरे बचे हुए काम को पूरे करने की आप ठान चुके हैं और इसी इरादे के साथ फिर इस बार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सोच आपकी है कि पंचायत को अपने क्षेत्र को विकासशील बनाए, विकास के स्तर को और बढ़ाए, यही ना? जी जी। और भी कुछ कहना चाहिएगा पक्की खबर के माध्यम से अपने जनता को? जी, मैं अपने जनता से ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे 5 साल के लिए पुनः हमें चुनेंगे और मैं जिस काम को किया हूँ उस काम पर खुश होकर जनता के कहने के साथ साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूँ और जो कमी बेसी रह गया है उसको मैं पूर्ण करूंगा ताकि अगले बार मेरे पंचायत में ये कहने के उपाय किसी के साथ नहीं रहे कि पंचायत में मेरा काम बाकी रह गया। मतलब शिकायत दूर करने की और शिकायत बिल्कुल भी न रहे पंचायत में, इस इरादे के साथ है मुखिया जी। साथ में मैं ये जानना चाहूंगा कि इनकी जनता भी कुछ है हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि क्या इनका जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा और अब जो रहेगा वो कैसा रहेगा, क्यों इनको फिर ये लोग चुनेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है बाबा? रविंदर मांझी। मांझी जी, ये बताइए कि इस बार फिर इनको जिताना है? हाँ सर, जिताना है। काम किए हैं? काम किए हैं, भरपूर काम किए। तो क्षेत्र के लिए जो विकास का काम किए और फिर कह रहे हैं कि विकासशील पंचायत बनाएंगे, पूरा विकास करेंगे, उम्मीद है आपको? हाँ, पूरा उम्मीद, पूरा उम्मीद है एकदम। तो ये एक बूढ़े व्यक्ति थे और इनका अनुभव भी आप समझ पा रहे हैं, एक अनुभवी इंसान कह पा रहा है कि जरूर ये काम करेंगे क्षेत्र के लिए। और भी लोग हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर करीब आइए, करीब आइए। किस नाम है? मोहन मांझी। मोहन मांझी जी, बताइए कि इस बार मुखिया जी जीतेंगे एकदम? हाँ जीतेंगे एकदम। काम किए हैं बहुत? हम लोग को तो इतना कीचड़ में हेल कर जाते थे, आते से गली खड़ा थे, ढलाई करवा दिए, पूरा काम करवा, बहुत काम करवाए हैं। तो इस बार फिर इनको जिताना है, इसीलिए इनको फिर हम चाहते हैं। पूरी जनता जा रही है एकदम, पूरी जनता। अच्छा, जो काम के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को लाभ दिए हैं और जो बाकी है उसको लाभ देंगे, लगता है पूरा करेंगे? हाँ एकदम करेंगे, पक्का करेंगे। क्या शुभ नाम बताए थे? मोहन मांझी। मोहन मांझी जी बता पा रहे हैं कि हमको अपने मुखिया जी से पूरा उम्मीद है, जो हमारे पहले काम किए हैं वही फिर करेंगे क्योंकि इन्होंने काम किया है क्षेत्र के लिए विकास का। और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ के नाम है कारी मांझी। नाम कारी मांझी जी, ये बताइए कि इस बार जो है क्षेत्र का विकास हुआ है? बहुत हुआ है। और इस बार फिर होगा? हाँ, जितना जो है ना हमारा गांव में जैसे गली जैसे 2 फीट 4 फीट 5 फीट जहाँ जितना है से गली कर दिए हैं और जो 40 तो जैसे शौचालय दिए हैं मुखिया जी जैसे, और जो अधूरा है उसको जो सपना है कि हम इसको पूरा करें। यानी स्वच्छ भारत अभियान का जो कुछ फंड वगैरह है वो सब दिए है। हाँ। और जो बाकी है वो इनका सपना आपको लगता है पूरा करेंगे? बहुत पूरा कर देगा, बहुत लायक लड़का। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। जो कहीं ना कहीं जनता अपने नेता से इतना खुश है कि जनता ज्यादा कॉन्फिडेंस में है अपने नेता से, क्योंकि उन्होंने काम किया, क्षेत्र का विकास किया और फिर विकास करने के इरादे को लेकर
फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से पक्की खबर चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।